हाय एवरीवन, आज हम साबूदाना और आलू से बनी बहुत ही टेस्टी मज़ेदार चटपटा कुरकुरा नाश्ते की रेसिपी लेके जो 10 मिनट में बना के रेडी कर सकते हो। बच्चों से लेकर बड़ों तक सब मांग मांग कर खाएंगे। इस नौदेवी में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, सबको पसंद आएंगे। अब चलिए देर की इस बात की इस नाश्ता को कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले पैन गैस पर चढ़ा दिया है, एक कप साबूदाना ले लिया है। गैस का फ्लेम मीडियम करके साबूदाना को 4-5 मिनट के लिए भून लेंगे। साबूदाना को हमें रोस्ट करना है ताकि पीसने में आसानी हो। साबूदाना को भून लिया है, अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके ले लेंगे। साबूदाना हमारी ठंडी हो गई है, मिक्सर जार ले लेंगे, मिक्सर जार के अंदर डाल देंगे। अब हम पाउडर बना लेंगे। पाउडर बना लिया है, देखिए इसी तरह से पाउडर बनाना है। एक बाउल में निकाल लेंगे, अब इसको साइड में रख लेंगे। तो मिक्सर जार ले लेंगे, थोड़ी सी हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक, आधी चम्मच जीरा, 2 चम्मच मूंगफली के दाने ले लिया है, रोस्टेड मूंगफली है, छिलका हटा के ले लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे बिना पानी डाले। पीस लिया है, देखिए इसी तरह से दरदरा पीसना है। अब साबूदाना पाउडर ले लेंगे, जो मसाला रेडी किया है वो मसाला हम डाल देंगे। 3 बॉयल आलू ले लिया है, आलू को हम ग्रेट करके डालेंगे। आलू को ग्रेट करके ले लिया है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधी चम्मच कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, क्योंकि हम व्रत में इसी मसाले का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे, बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली रेसिपी है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता है। डो हमारी थोड़ी सी टाइट लग रही है, 2 चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। देखिए डो हमारी रेडी है, आप इसको कवर करके साइड में रख देंगे। इस और इसके साथ खाने के लिए एक चटनी बनाएंगे। ये मिक्सर जार ले लेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी फ्रेश नारियल ले लिया है, आप सूखा नारियल भी ले सकते हो। 1 चम्मच मूंगफली के दाना, रोस्टेड मूंगफली है। स्वाद अनुसार सेंधा नमक, आधी चम्मच साबुत जीरा, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पाउडर और 3 हरी मिर्च, 2 चम्मच दही मिलाएंगे और 2 चम्मच पानी मिलाएंगे। हम व्रत में जो भी मसाले खाते हैं वही डाला है। अब हम पीस लेंगे, चटनी को पीस लिया है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे, देखिए चटनी हमारी रेडी है। अगर आप पतला बनाना चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, पतली हो जाएगी। अब इसको हम साइड में रख लेंगे। अब डो को ले लेंगे, थोड़ी देर मसल के चिकना करके ले लेंगे। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, थोड़ा सा पोषण ले लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे हाथों के अंदर। फिर इसको इस तरह से गोला करेंगे, लंबाई में ले लेंगे। आप अपना मनसार शेप दे सकते हो। देखिए कितनी बढ़िया बनी है, इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता को रेडी करके ले लिया है, अब हम गैस पे चलते हैं। गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है, ऑयल भी हमारी गर्म हो गई है। ऑयल का अच्छी तरह से गर्म करके लेना है। अब हम एक एक करके डाल देंगे, डाल दिया है, इस तरह से हिला देंगे और गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम करके रखेंगे। एक साइड सिकने देंगे, एक साइड सिक गई है, अब हम पलट लेंगे। देखिए इधर कलर चेंज हो गई है, पलट लिया है, दूसरी साइड भी सेक लेंगे, फिर से पलट लेंगे। इधर भी कलर चेंज हो गई है, देखिए इधर भी कलर चेंज हो गई है। अब गैस का फ्लेम थोड़ा सा कम कर देंगे और कलर चेंज होने तक सेक लेंगे अलट पलट के। बनाना जितना आसान है खाने में उतना ही टेस्टी है, बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता है। चाय के साथ खाइए, चटनी के साथ खाइए। इस नाश्ता को एक बार बना लिया तो व्रत में हर दिन आप इसी नाश्ता को बनाना पसंद करेंगे। मेरे घर में बहुत पसंद करते सब। ये नाश्ता हमारी सीख गई है, कलर भी कितनी बढ़िया आ गई है। अब हम निकाल लेंगे, देखिए पास से दिखा रही हूँ कितनी बढ़िया बनी है। इसी तरह से हम सभी को रेडी करके ले लेंगे। देखिए नाश्ता हमारी रेडी है, कितनी बढ़िया बनी है, देखिए कितनी क्रिस्पी है। देखिए इस तरह से चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करिएगा, फिर कमेंट करके बताइएगा आपकी रेसिपी कैसी लगी है। इसी तरह की आसान और नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अब चलिए अगली वीडियो पर मिलते हैं, बाय।